मैं क्योंकि हर जगह जाता हूँ, आमतौर पे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाती है, लेकिन मैं सब जगह जाता हूँ। गुजरात में भी जाना होता है, इधर भी सब जगह, दिल्ली में घूमता हूँ, पंजाब भी जाना है, यूपी भी, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। तो मैं उस वजह से थोड़ा सुरक्षा बढ़ाएगी। पंजाब की अगर बात करें तो बड़े गायकों को जो है थ्रेट की फोन आ रहे हैं, नेताओं को थ्रेट जो है वो दी जा रही है फोन कॉल के जरिए, क्या उससे डरता आपको? ने गन कल्चर जो है अपना लिया था, कैसे देख रहे हैं आप इसको? संगीत सिर्फ रूहानियत के लिए और मोहब्बत के लिए, और जिस खत्ते का संगीत है उसके कल्चर को, तहजीब को, उसकी सकाफत को, विरासत को प्रमोट करने के लिए होता है और सुकून के लिए होता है। संगीत को रूह की गजा कहा जाता है। इसमें ये जो मार धाड़ बंदूक शंदूके गन शन ये नहीं होना चाहिए। सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो बहुत बड़ा मसला है, तो उसको ठीक कर लें तो ठीक है। अब देख रहे हैं नो द टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। हमारे साथ मौजूद हैं सिंगर और सांसद हंसराज हंसी। हंसी, आपकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्या कोई थ्रेट थी आपको? नहीं, मैं क्योंकि हर जगह जाता हूँ, आमतौर पे अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी देखी जाती है, लेकिन मैं सब जगह जाता हूँ। गुजरात में भी जाना होता है, इधर भी सब जगह, दिल्ली में घूमता हूँ, पंजाब भी जाना है, यूपी भी, क्योंकि आर्टिस्ट हूँ बेसिकली। तो मैं उस वजह से थोड़ा सुरक्षा बढ़ाई गई है। पंजाब की अगर बात करें तो बड़े गायकों को जो है थ्रेट की फ़ोन आ रहे हैं, नेताओं को थ्रेट जो है वो दी जा रही है फ़ोन कॉल के जरिए, क्या उससे डरता आपको? नहीं, मुझे किसी से डर नहीं है, ना मुझे कोई डराता है। मेरा करेक्टर ही ऐसा नहीं है, मैं मोहब्बत के लिए पैदा हूँ, मोहब्बत ही बांटी है, लेकिन क्योंकि हालात ऐसे हैं उस रूटीन में मेरा ख्याल सुरक्षा बढ़ाई गई है। आप गायक हैं, लेकिन जिस पिछले दिनों जिस तरीके से गायकों ने गन कल्चर जो है अपना लिया था, कैसे देख रहे हैं आप इसको? संगीत सिर्फ रूहानियत के लिए और मोहब्बत के लिए, और जिस खत्ते का संगीत है उसके कल्चर को, तहजीब को, उसकी सकाफत को, विरासत को प्रमोट करने के लिए होता है और सुकून के लिए होता है। संगीत को रूह की गजा कहा जाता है। इसमें ये जो मार धाड़ बंदूक शंदूक गन शन ये नहीं होनी चाहिए। अगर पंजाब सरकार की बात करें तो लगातार पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में लगातार मर्डर हो रहे हैं, कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की तो प्रॉब्लम है, उसको हल करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए, क्योंकि आप जलंधर से आते हैं, जलंधर में भी कल जिस तरीके से गोलियां चली, मर्डर हुआ है वहाँ पर। हाँ जी, रोज़ कहीं ना कहीं कुछ हो रहा है, लोग बहुत चिंतित हैं। मालिक कृपा करे, सरकार पे भी इनको थोड़ा सा गवर्नेंस का थोड़ा कोई पाठ पढ़ाए और अच्छी तरह चले। अच्छा, सरकार के कार्यकाल को आप कैसे देख रहे हैं अभी तक के? सरकार लॉ एंड ऑर्डर को लेके तो बहुत बड़ा मसला है, तो उसको ठीक कर लें तो ठीक है। पंजाब एक खास स्टेट है, मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि यहाँ से फेम एंड डीफेम दोनों मिलती है। पंजाब को पे जिसने अच्छी तरह राज कर लिया वो पूरी दुनिया में छा जाता है। क्योंकि पिछले दिनों सर अगर बात करें, जो सरहदी सूबा है अमृतसर की बात करें चाहे दूसरे इलाकों की बात करें, वहाँ से कहीं ना कहीं ड्रोन जो है वो देखे गए हैं, वहाँ से हथियार हो या ड्रग्स हो, नशा हो, वो आता है वहाँ से, तो उसको सरकार को कहीं ना कहीं ध्यान देने की ज़रूरत है। हाँ, वो बॉर्डर वाली स्टेट है, उस पर बहुत ध्यान करना चाहिए और बहुत मैच्योरिटी से अगर कोई चलाए तो फिर चलता है पंजाब। सरकार मुख्यमंत्री गुजरात में प्रचार कर रहे हैं, वो तो खैर सब स्टेट के कर रहे हैं, कोई नहीं करना चाहिए, लेकिन पंजाब की तरफ ज़्यादा ध्यान चाहिए, वहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। तो बिल्कुल पंजाब की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ये कहना है हंसराज हंसी का कि गुजरात में प्रचार करें लेकिन पंजाब की तरफ ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नव द टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।